का इंतजार था इन लोगों को। हालांकि वो नहीं है जो तुम लोग सोच रहे हो। एक तितली बनी हुई है, फूल है और ये पत्तियां हैं, लेकिन तुम लोग क्या देख रहे हो उसमें? इसको कहते हैं मखमसा, उर्दू में कहते हैं मखमसा। इसका कोई हल नहीं है, ये हमारे समाजी मसाइल हैं, ये हमारे दीनी मसाइल हैं, बहुत सारे जो तफरके की बुनियाद पैदा करती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जिसमें हम उलझ जाते हैं और हम एक दूसरे से नफरतें करने की तरफ जाते हैं। ये हमारे घरों के मसाइल हैं, ये हमारे अपने अंदर के मसाइल हैं जिनका हल नहीं है। इसे हल नहीं कर सकते आप, जिसे आप हल नहीं कर सकते उसे क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके लिए वो है जो उन्हें मुनासिब लगता है और मेरे लिए वो है जो मुझे मुनासिब लगता है। क्योंकि एक अच्छी मिसाल कायम करना अमन, मोहब्बत और भाईचारे से ही है। अगर मैंने किसी के जहन के ऊपर अपने असरार डालने हैं तो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत से ही हो सकते हैं। अगर मैं खेलना चाहता हूँ तो मुझे ग्राउंड में मौजूद रहना पड़ेगा, और अगर मैं मैदान से भाग जाऊँगा तो मैं खेल नहीं सकता। तो ज़िंदगी में जहाँ भी जो भी मैदान है, तालीम का मैदान है, रिश्तों का मैदान है, मज़हब का मैदान है, जो भी मैदान आपके सामने आया है, उस मैदान में खड़े रहना है, अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है। क्योंकि जो चीज़ें हल नहीं हो सकती वो हल नहीं हो सकती, और जो हो सकती हैं वो हमें करते रहना चाहिए। इस दुनिया में अमन, मोहब्बत, भाईचारा हर जगह अपने घरों से शुरू करते हुए दुनिया के आखिरी कोने तक लेके जाना हमारी जिम्मेदारी है, और हमें उसके लिए हमेशा कोशिशें करते रहना चाहिए। देखना चाहिए कि ये अल्लाह ताला की कायनात है, अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को भी पैदा किया है उसके पीछे उसका कोई राज है, ठीक है। वो बेहतर जानता है कि कौन सी चीज़ किस मकसद के लिए है, और साइंस कुछ बताती भी हमें, लेकिन वो फिर भी 100% नहीं बता सकती। एक हद है, हर चीज़ की एक हद है, उस हद से आगे नहीं जा सकती।